नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वायरमैन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग डीसी जनरेटर पर आपको मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम इस प्रशिक्षण के अंतर्गत जानेंगे डीसी जनरेटर के भाग। आइए अब हम जानेंगे डीसी जनरेटर के भाग। एक डीसी जनरेटर के मुख्य भाग निम्न प्रकार से हैं: योक, मशीन की बॉडी को योक भी कहते हैं। योक मशीन की आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को पकड़ने का कार्य करती है। योक पर फील्ड पोलों को कसा जाता है। यह फील्ड पोलों द्वारा उत्पन्न हुई चूम के रेखाओं को सरल रास्ता देती है। योक मेन पोल के केवल आधे फ्लक्स को ही गुजारती है, इसलिए योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेन पोल की अपेक्षा आधा रखा जा सकता है। योक चुंबकीय पदार्थ जैसे कि कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। योक की परमियबिलिटी अधिक होती है छोटी मशीनों में, जहां कीमत मुख्य आधार है और भार का कोई महत्व न हो, वहां मुख्यतः कास्ट आयरन प्रयोग किया जाता है। जहां भार और एफिशिएंसी मुख्य आधार है, वहां बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कास्ट आयरन सस्ता होता है, जिसकी परमियबिलिटी कास्ट स्टील की अपेक्षा आधी होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, मशीन की बॉडी को योक कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप भलीभांति समझ सकते हैं। अगला भाग है फील्ड पोल। छोटी डीसी मशीनों में पोल बॉडी या योक के साथ ढाल दिए जाते हैं, लेकिन बड़ी मशीनों में पोल सूज योक के साथ कस दिए जाते हैं। ये कास्ट स्टील या कास्ट आयरन के बने होते हैं, क्योंकि यह चुंबकीय रेखाओं में कम रिलक्टेंस उत्पन्न करते हैं। लिपटे हुए कोयलों को पोल सूज पर चढ़ा दिया जाता है। सभी फील्ड कोयलों 4 या 6 जैसी भी अवस्था हो को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि 7-7 वाले पोल विपरीत पोलराइज उत्पन्न करें। फील्ड कोयलों के सिरों को मशीन के टर्मिनल बॉक्स में ले जाते हैं। एक 4 पोल की मशीन और चुंबकीय रेखाओं के रास्ते को दिखाती है। इन पोलों का कार्य फील्ड कोयलों को पकड़ना और मशीन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। फील्ड पोल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, परंतु बहुत छोटे जनरेटरों जिसे मैग्नेटो कहते हैं में परमानेंट मैग्नेट प्रयोग किए जाते हैं। पोल शू और आर्मेचर को खाली स्थान को एयर गैप कहते हैं। दिखाए गए चित्र में फील्ड पोलों को दिखाया गया है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये फील्ड पोल है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये फील्ड पोल कहलाते हैं। चित्र के माध्यम से हम इनको भलीभांति समझ सकते हैं। अगला भाग है आर्मेचर, कोर और वाइंडिंग। आर्मेचर एक बेलनाकार ड्रम है जो सिलिकॉन स्टील की पतली गोल स्टैम्पिंग्स का बना होता है। इसमें सिलिकॉन स्टील इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी हिस्टेरिस हानियां को कम करती है और इसमें बाइंडिंग होती है। कोर चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कम रिलक्टेंस पैदा करती है। स्टैम्पिंग एक दूसरे से सेलाक वर्णिक पतले पेपर या
बटर पेपर द्वारा इंसुलेशन की जाती है एंटी करंट के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए स्टैम्पिंग की मोटाई 0.35 से 0.5 mm तक बदलती है। आर्मेचर की परिधि पर खांचे बना दिए जाते हैं जिनमें कंडक्टरों को डाल दिया जाता है। इन स्टैम्पिंग को शाफ्ट पर एक की के द्वारा मजबूती से फिट कर दिया जाता है। आर्मेचर चुंबकीय पोलों के बीच में स्वतंत्रता से घूमता है। शाफ्ट के एक तरफ इंसुलेटर कम्यूटेटर और दूसरी तरफ हवा को फेंकने के लिए एक पंखा फिट होता है। आर्मेचर तीन मुख्य कार्य करता है। पहला, यह कंडक्टर को स्थान देता है। दूसरा, इसके कारण कंडक्टर चुंबकीय के क्षेत्र में घूमते हैं। और तीसरा, यह कम रिलक्टेंस देता है। अब आप जानेंगे आर्मेचर के प्रकार। आर्मेचर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक रिंग प्रकार का आर्मेचर और नंबर दो ड्रम प्रकार का आर्मेचर। आजकल ड्रम प्रकार के आर्मेचर का प्रयोग अधिक किया जाता है। आर्मेचर की परिधि और खांचे बना दिए जाते हैं। ये खांचे निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक ओपन स्लॉट। नंबर दो सेमी एनक्लोज स्लॉट और नंबर तीन क्लोज स्लॉट। ओपन से मतलब खुले स्लॉट, सेमी एनक्लोज से मतलब आधे बंद स्लॉट और क्लोज स्लॉट से मतलब है बंद स्लॉट। दिखाए गए चित्र में आर्मेचर कोर और वाइंडिंग को दिखाया गया है, जिसे देखकर आप भली भांति आर्मेचर को समझ सकते हैं। इस तरीके से आर्मेचर बना होता है, जिसमें आर्मेचर स्लॉट्स होती हैं, टीथ होते हैं और लैमिनेशंस। ये भाग की वे कहलाता है और ये होल एयर होल्स कहलाते हैं। और आर्मेचर में एक साइड में कम्यूटेटर लगा हुआ है और इस तरीके से आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। आइए अब अगले भाग कम्यूटेटर के बारे में जानते हैं। यह एक इलेक्ट्रिक यंत्र है जो स्वचालित ढंग से कॉइल की दिशा को बदलता है। यह बेलनाकार होता है और यह हॉट ड्रॉन कॉपर सेगमेंटों का बना होता है जो एक दूसरे से और शाफ्ट से माइका द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। कम्यूटेटर शाफ्ट के एक सिरे पर फिट होता है। अधिकांशतः यह पुली के विपरीत दिशा में फिट होता है। प्रत्येक कम्यूटेटर सेगमेंट का एक सिरा उठा होता है, जिसे राइजर कहते हैं। इन राइजरों पर आर्मेचर कॉइल के सिरों को जोड़ा जाता है। दिखाई गए चित्र के माध्यम से कम्यूटेटर को आप और भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। कम्यूटेटर शाफ्ट पर फिट होता है इस तरीके से। ये शाफ्ट कहलाती है। ये पार्ट माइका इंसुलेशन का होता है और यह भाग कम्यूटेटर कहलाता है। आइए अब जानेंगे ब्रश के बारे में। छोटी मशीनों में करंट को एकत्रित करने के लिए कार्बन के ब्रश और बड़ी मशीनों में अधिक करंट के लिए कार्बन कॉपर एलॉय या कॉपर के ब्रश बनाए जाते हैं। प्रत्येक ब्रश खोखली पीतल की छड़ों में रखा जाता है, जिन्हें ब्रश होल्डर कहते हैं, ताकि
यह फिसलकर इसमें से जा सके। स्प्रिंग दबाव में ये कम्यूटेटर पर लगे रहते हैं। ब्रश के क्षेत्रफल के अनुसार स्प्रिंग का दबाव 0 से 1 से 0 से 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बदलता रहता है। इसके दबाव का इसके साथ लगे हुए लीवर के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। यह आर्मेचर से करंट एकत्र करते हैं और उसे बाहरी सर्किट को देते हैं। दिखाए गए चित्र में कार्बन ब्रश को दिखाया गया है, जिसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला भाग है ब्रश लीड। ब्रश लीड को पिग टेल भी कहते हैं। यह कार्बन से जुड़ी तार का एक टुकड़ा है। यहां कॉपर कंडक्टर का बना होता है और इसका भाग ब्रश और बाहरी सर्किट से संबंध बनाना होता है। दिखाए गए चित्र में कार्बन ब्रश दिखाया गया है और इस भाग को हम पिगटेल या ब्रश लीड कहते हैं। अगले भाग के बारे में जानते हैं, ब्रश रॉकर। इसको ब्रश गियर भी कहते हैं। यह एक गोल सर्कुलर रिंग का बना होता है जो स्टंड द्वारा फ्रंट एंड प्लेट पर फिट होता है। स्टंड के सुरागों में खांचे बने होते हैं ताकि ब्रश रॉकर को आगे पीछे किसी भी आवश्यक स्थिति में कम्यूटेटर पर रखा जा सके। दिखाए गए चित्र में ब्रश रॉकर को दिखाया गया है। चित्र की माध्यम से हम ब्रश रॉकर को भलीभांति रूप से समझ सकते हैं। आइए अगले भाग फ्रंट एंड कवर के बारे में जानते हैं। कभी कभी फ्रंट एंड कवर को कम्यूटेटर एंड प्लेट भी कहते हैं। इसमें ब्रश बैरिंग, बाल बैरिंग या रोलर बैरिंग लगे रहते हैं। फ्रंट एंड कवर पर ब्रश गियर लगा होता है। कुछ भी हो, मोटर की अवस्था में पुली की तरफ के कवर को फ्रंट एंड कवर कहते हैं। यह है कास्ट आयरन का बना होता है और योक के साथ कसा जाता है। दिखाए गए चित्र एक डीसी जनरेटर का है, जिसमें आप फ्रंट एंड कवर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हम पॉइंटर के माध्यम से आपको फ्रंट एंड कवर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भाग फ्रंट एंड कवर कहलाता है। अगला भाग रियर एंड कवर। यह भी कास्ट आयरन का बना होता है और बॉडी के साथ कसा होता है। इसमें भी बैरिंग लगे होते हैं। मशीनों को ठंडा रखने के लिए दोनों एंड कवरों में खांचे बने होते हैं। दिखाए गए डीसी जनरेटर के चित्र में एंड कवर को आप देख सकते हैं। यह भाग डीसी जनरेटर का एंड कवर के नाम से जाना जाता है। आइए
आप जानते हैं कूलिंग फैन के बारे में। कूलिंग फैन जैसा इसके नाम से ही प्रदर्शित है, कूलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कूलिंग फैन कास्ट आयरन का बना होता है और कम्यूटेटर शाफ्ट से विपरीत दिशा में फिट होता है। जैसे ही आर्मेचर घूमना शुरू करता है, यह भी घूमता है और आर्मेचर को ठंडा करने के लिए ताजी हवा देता है। आइए अब कूलिंग फैन को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। जनरेटर को ठंडे करने वाला फैन कूलिंग फैन कहलाता है। पॉइंटर के माध्यम से हम आपको कूलिंग फैन के बारे में समझा रहे हैं। यह भाग जो शाफ्ट के साथ फिट होता है, कूलिंग फैन होता है। जब शाफ्ट घूमती है तो कूलिंग फैन भी घूमता है, जिसके फलस्वरूप यह मशीन को ठंडी हवा देता है और मशीन ठंडी रहती है। आइए अब हम जानेंगे बैरिंग के बारे में। यह एक यंत्र है जो आर्मेचर को आसानी से एक समान घुमाता है। यहां साइड कवर के मध्य में लगा होता है और आर्मेचर इनके बीच में घूमता है। निम्नलिखित प्रकार के बैरिंग काम में आते हैं। नंबर एक ब्रश बैरिंग, नंबर दो बॉल बैरिंग, नंबर तीन रोलर बैरिंग। दिखाए गए चित्रों में बैरिंग के प्रकार आप देख सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं शाफ्ट और पुली के बारे में। यह माइल्ड स्टील की बनी होती है और साइड कवरों में लगे बॉल बैरिंग पर ठहरती है। आर्मेचर और कम्यूटेटर भी शाफ्ट पर फिट होते हैं। पुली कास्ट आयरन की बनी होती है और वह शाफ्ट पर की या स्टैंड के द्वारा लगी होती है। दिखाए गए चित्र में डीसी जनरेटर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसके माध्यम से हम शाफ्ट और पुली को भलीभांति रूप से समझ सकते हैं। डीसी जनरेटर का यह भाग शाफ्ट कहलाता है। शाफ्ट के ऊपर एक साइड में कम्यूटेटर फिट होता है और कम्यूटेटर के साथ ब्रशेस लगे होते हैं। और यह शाफ्ट फील्ड पोल्स के बीच में बड़ी आसानी से घूमती है। यह भाग योक कहलाता है। शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर लगा होता है और आर्मेचर में आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं और यह भाग फील्ड वाइंडिंग कहलाता है। आइए अब जानते हैं आई बोल्ट। मशीन को उठाने के लिए आई बोल्ट
आमतौर पर बॉडी के ऊपर बना होता है। दिखाए गए चित्र में आई बोल्ट की उपयोगिता को हम आसानी से समझ सकते हैं। यह मशीन को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको हम लिफ्टिंग आई भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं बेड प्लेट। बेड प्लेट को मशीन का बेस भी कहते हैं। मशीन फाउंडेशन पर पड़ी होती है और बेड प्लेट पर नट बोल्ट के द्वारा कसी होती है। दिखाए गए चित्र के माध्यम से हम अब बेड प्लेट के बारे में जानेंगे। बेड प्लेट को फिट भी कहते हैं। इसकी सहायता से मशीन को फाउंडेशन पर फिट किया जाता है। अगला भाग कपलिंग। कपलिंग यह जनरेटर को चलाने वाले प्राइम मूवर और जनरेटर की शाफ्ट के बीच मैकेनिकल जोड़ होता है, जिसे हम कपलिंग कहते हैं। दिखाए गए ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम कपलिंग की उपयोगिता को भलीभांति रूप से समझ सकते हैं। एक साइड में प्राइम मूवर लगाया गया है। प्राइम मूवर से आप भलीभांति परिचित हैं। प्राइम मूवर के माध्यम से हम यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इनपुट के रूप में डीसी जनरेटर को प्रदान करते हैं। प्राइम मूवर और डीसी जनरेटर को जिस मैकेनिकल जोड़ से आपस में जोड़ा जाता है, उस भाग को हम कपलिंग कहते हैं। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा लेकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं हम टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स यह एक इंसुलेटेड बॉक्स है, जिसमें ब्रास के नट और बोल्ट लगे रहते हैं और गुर्सों तथा फील्ड पोलों की तारों को बाहरी सर्किट से मिलाने के लिए इनके साथ जोड़ दिया जाता है। दिखाए गए चित्र में टर्मिनल बॉक्स को देखकर हम भलीभांति समझ सकते हैं। मशीन के संपूर्ण कनेक्शन इस टर्मिनल बॉक्स में ही होते हैं। उक्त प्रसंग का सारांश। उक्त प्रसंग में हमने जाना डीसी जनरेटर के भाग, पढ़ाए गए प्रसंग का संदर्भ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिटन बाय पीएस ढोगल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिटन बाय बीएल थ्रेजा और www.nimi.gov.in से इस प्रश्न का संदर्भ लिया गया है। आज मैंने डीसी जनरेटर पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।